कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए पप्पू यादव 2 अस्पताल फ्री करेंगे, साथ ही साथ उन्होंने सरकार पे मास्क और सैनिटाइजर के कालाबाजारी का आरोप लगाया। 2 अस्पताल जो भी हम आज शाम में हम एक वीडियो जारी करेंगे, कोरोना वायरस या किसी भी वायरस की बीमारी के लिए जो भी जिसे जरूरत होगी उसका इलाज फ्री जन अधिकार पार्टी की तरफ से किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस होगा ये गंदगी से, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी पहले सफाई करके दिखाएंगे, तब लोगों किसी चीजों को बैंड करें। अपनी गलती को छिपाने के लिए चारों तरफ मोहल्ले में गंदगी का ढेर है, शुगर आदमी जानवर का मौत मरा हुआ है और जबरदस्ती डर दिखा करके स्कूल कॉलेज वो पैनिक बना के लोगों को डराया जा रहा है। और बाजार से सैनिटाइजर साबुन और मास्क को आउट ऑफ मार्केटिंग करके ब्लैक मार्केटिंग करवाया जा रहा है, ये मेरा आरोप है। तीसरी सरकार यदि मुआवजा नहीं दी और बिजली बिल माफ नहीं किया तो आर पार की लड़ाई इस बिहार में मोदी शिक्षक और इस मौसम के चलते यदि माफ नहीं हुआ इसकी शुरुआत होगी और यह लड़ाई हम उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस सब मिल करके एक नई लड़ाई इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के खिलाफ मजबूती के साथ, जिसमें बाम सेफ भी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते, कहा महागठबंधन में होगा फैसला कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। पार्टी की शर्त पर महागठबंधन नहीं चलेगा, महागठबंधन अपनी शर्तों पर चलेगा, किसी एक पार्टी की शर्त पर महागठबंधन नहीं चलेगा। महागठबंधन जो तय करेगा हम योग्य मान रहे हैं उनको, जब तक महागठबंधन तय नहीं कर वही जवाब देगा, तब तक मेरा बोलना कुछ भी सार्वजनिक रूप से मुनासिब नहीं है। जहाँ तय होगा विचार विमर्श घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक 12 वर्षीय किशोर को पत्थर से सिर को कुचलकर मार डाला। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के ताराडी गांव से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ की बताई जा रही है। मृतक की पहचान ताराडी गांव निवासी स्वर्गीय अमरदीप चौहान के पुत्र तुषार कुमार उर्फ टुट्टू के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक बालक बुधवार की शाम से ही अचानक गायब था। औरंगाबाद से विनय कुमार साहू की रिपोर्ट। परिजनों का क्या कहना? परिजन हत्या किया गया करते ही 1.5-2 बजे से ये बच्चा परिजन के लोग गाँव के लोग डेड बॉडी पड़ा हुआ है, हम जाकर देखें गाँव के लोग आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पता किया जा रहा है गाँव पकड़ा गया, पकड़ने के बाद। चल रहे NRC NPRM CAB के विरुद्ध धरना प्रदर्शन में भारत के विख्यात उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह शामिल हुए, साथ ही उन्होंने NPR को गैर कानूनी बताया। गया से गालिब रजा की रिपोर्ट।
एनआरसी एनपीआर है, इसका देश भर में विरोध क्यों हो रहा है असल में? नहीं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी। देखिए, जो एनपीआर है इसका जिक्र जो कानून सेक्शन 14A 2003 में वाजपेयी सरकार लेकर आई संशोधन में, उसमें एनपीआर का कोई जिक्र नहीं था, उसमें एनआरसी का भी जिक्र नहीं था एज सच। उसमें केवल जिक्र था कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाए और उसी के संबंध में नियम बनाए जाएं। नियम बनाने की जो अधिकार था संसद ने सरकार को दे दिया। तो मौलाना ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। मौलाना ने ये कहा कि जज साहब, आप इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन जिस अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत मैंने जीते जी की, उस अंग्रेजी हुकूमत का दिया हुआ कफन पहनकर मैं अपने कब्र में उतरूं, मेरा समीर इस बात की इजाजत नहीं देता। ये है हमारी कुर्बानियां इस मुल्क को बनाने के लिए, ये है हमारी कुर्बानियां। आप याद कीजिए। तो कोरोना की चर्चा ने अपनी चपेट में ले रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बरसात ने किसानों को अपनी चपेट में ले रखा है। हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड की, जहां बेमौसम बरसात की कहर से सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई, जिसके कारण भेड़ पालकों में दहशत का माहौल कायम है। जबकि भारी संख्या में भेड़ मरने से दहशत के साथ साथ दुर्गंध भी तेज हो। वहीं दूसरी तरफ रबी फसल, फल और सब्जी के उगाने वालों किसानों में भी दहशत का माहौल कायम है। औरंगाबाद से विनय साहू की रिपोर्ट। घटना घटा था जिसे बारिश हुआ, बारिश और ठंड का गिरा, वो आदमी एक किलो दूरी पर अलगे हट गांज था, उनको भाग गया, उनको सोने के लिए बारिश होने लगा, से एक बीच में जाल लगाया हुआ था उसमें ठनका गिर गया और उसी से सब जाने की खड़ी पीछे बर्बाद हो गया। बर्बाद कम से कम आओ तो 600 किलो लमसम में हो होगा एक लॉट में। हाँ, अच्छा, ये घटना कब घटा था? ये घटना शुक्रवार को रात्रि में। अभी भी उस सब एक दो को है, दस को है, दस को पाँच को मरी रहा है, जो झटका लगा है धीरे धीरे मरी रहा है। हम लोग का भेड़ था 1500। हाँ, 8 को 8 किसान। हाँ, ठीक है।